उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महेसरा पुल के लोकार्पण के दौरान शहर में बन रहे एम्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2018 तक एम्स की ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। निर्माणाधीन एम्स के काम में तेजी लाने की जानकारी देते हुए उन्होंने इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू बनाने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री ने विकास के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महेसरा पुल का उदाहरण देते हुए कहा है कि 2006 से जनता इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से परेशान थी। 2009 में नया पुल स्वीकृत हुआ लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। 2003 से पिछली सरकार तक की प्रदेश में बनी सरकारों ने कोई काम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में यूपी में विकास कार्य तेज होने का अनुभव जनता कर रही है। वह जिस जिले में जा रहे हैं वहां 700 से 800 करोड़ के काम शुरू करवा रहे हैं। प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तक 564 करोड़ के राजमार्ग बनवाना शुरू किया है। 3014 करोड़ की लागत से राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है। विकास की नई गाथा लिखने की तैयारी हो रही है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जंगल कोड़िया विकास खंड, चरगावा विकास खंड और गोरखपुर नगर को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग मोरेपुर जंगल नंदलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमराहा सिंहुरवा संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम आज के समारोह के अध्यक्ष गोरखपुर के महानगर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक चोरी चोरा श्रीमती संगीता यादव जी, प्रदेश मंडल कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, जिला प्रशासन के साथ साथ लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सर्वप्रथम इस बहुप्रतीक्षित सेतु के निर्माण कार्य के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रति धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट।